जेके एसएसपी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि जेके एसएसपी ने वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया खत्म करके बहुत गलत किया। ये बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका है, पर जेके एसएसबी वाले ये नहीं समझ पा रहे कि उनकी इन हरकतों की वजह से बच्चे जो है वो अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं और उनके साथ गलत हो रहा है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी जेके एसएसबी वाले वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया खत्म करके मतलब क्या करना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा है, यूथ के साथ इतना गलत हो रहा है। थैंक यू। अनिल है और मैं भद्रवाह से हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जेके एसएसबी के सुर्खियों में रहता है और स्कैम्स इतने ज़्यादा होते हैं जेके एसएसबी में, एक रिक्रूटमेंट को ये 3 से 4 साल लगा देते हैं करने को एक रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है प्रॉपर तरीके से, जब तक आपके घर पे ऑर्डर पहुँचेगा तब तक 3 साल हो चुके होते हैं। और जो बच्चों ने इसमें अपीयर किया होता है जेके एसएसबी एग्ज़ाम में, वो 3-3 साल तक वेट करते हैं, उसके बाद उनका कहीं सिलेक्शन होता है। और जो लोग नहीं सिलेक्ट होते हैं उनके साथ भी कितना बड़ा धोखा हो जाता है, क्योंकि आपका प्रोसेस ही गलत है। और जो आपने वेटिंग लिस्ट हटाई है वो बहुत गलत बात की है जेके एसएसबी ने। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ये जेके एसएसबी ने जो किया है इसके साथ सिर्फ एस्पिरेंट के साथ धोखा नहीं किया है बल्कि आम पब्लिक के साथ भी धोखा किया। जो आप आम डिपार्टमेंट्स में भी आप देखो कि आपकी पोस्ट वैकेंट रहती हैं काफ़ी सारी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जितनी भी आपके पास इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, या कहीं पे भी आपके पास जहां आपके पास वैकेंसी फुल नहीं होती, या अगर आप एक छोटे से स्कूल की बात करें जहाँ पर आपके पास हेडमास्टर नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है, अपनी मर्जी से लोग आ रहे हैं, अपनी मर्जी से लोग जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो रही है किसी भी चीज़ की, तो ये जेके एसएसबी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये रिक्यूट ही नहीं कर रहा। अगर ये रिक्यूट करेगा, बंदा अपना चार्ज लेगा, उसके बाद काम करेंगे ना आगे। तो ये मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, मैं एलजी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया को रिज्यूम किया जाए, अदरवाइज ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हमें यहाँ पे प्रदर्शन में आना पड़ेगा। हम एलजी ऑफिस में आएंगे और पूरा प्रदर्शन करेंगे, और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप ये वेटिंग लिस्ट रिज्यूम नहीं करेंगे। इससे आम जनता जो है इतनी हरास हो रही है, और हमारा जो यूथ है जेके जम्मू कश्मीर का जो यूथ है ये इतना हरास हो रहा है कि क्या कहें आपसे। और मैं जेके एसएसबी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज रिज्यूम वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया। थैंक्स ए लॉट। We want justice. JKSSB, hosh mein aao. We want justice.